कर्तृत्व संघर्षशील कर्तृत्व मुजफ्फर भाव यहाँ पर आए हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो बोल नहीं सकते, लेकिन दिल की गहराई से आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी दशहरा मुजफ्फर भाव की ओर से, एकता ग्रुप की ओर से, और भाव के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जय गला शेरावाली का, बोल साचे दरबार की। दोस्तों, ये हमारा 19वां साल नवरात्रि उत्सव का, यहाँ प्रमोद सामंत जी, अनिल सावंत, मुजफ्फर साहब हैं, इनके सामने बोलना यानी बहुत मुश्किल हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। इन्हें हिंदुस्तान का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला था हमारे प्रेसिडेंट से। इनसे अच्छी स्पीच महाराष्ट्र लेजिस्लेशन में कोई नहीं दे सकता। दूरदर्शी है। एक गांव मैं 94-95 में एनएलसी का कैंप में आया था, साहब आपको पता नहीं होगा, 10 दिन का हमारा कैंप था, जब राजीव गांधी जी उस वक्त इलेक्शन का दौर था और राजीव गांधी जी जीत के आए थे, और जो वीरानी थी कि सब्जी लेने भी भयंदर आना पड़ता था। उत्तर में एक छोटी सी मार्केट थी, हम वहां पे एक स्कूल में रहे थे, वहां से लेके अब तक जो पुराने लोग हैं यहाँ उन्हें पता होगा पानी की कितनी किल्लत थी, रोड कैसे थे कि मीरा रोड से हॉस्पिटल जाते जाते डिलीवरी हो जाती थी। ये मैंने नहीं, मैंने काफी लोगों से सुना है। और आज जो फैसिलिटीज हैं, एक दूरदर्शी नेता स्टूडेंट यूनियन से निकल के आए, दो बार MLC बने, नगर सेवक बने, मीरा भयंदर के DP प्लांट की रचना करवाई, कहाँ पे खेलने का मैदान हो, कितने स्कूल हो, कितने हॉस्पिटल रिजर्वेशन हो, आज से 25 साल पहले, आप अभी भी आए हैं, जो 25 साल पहले रहते थे उनको पता होगा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि ये शहर इतना बड़ा होगा। तो एक विजनरी जिन्होंने 25 साल पहले सोचा था कि ये शहर इतना बड़ा होगा कि इसमें हर जात पात हर धर्म का आदमी आएगा और उसे हर सहूलियत देनी होगी। 2012 तक इनका सहयोग रहा, कुछ कारणों से कुछ और लोग सत्ता में आ गए और उसके बाद जो हो रहा है, वो जो पानी आया था उसके बाद कुछ नहीं आया, और जो इन्होंने दिलवाया था पानी वो ही नहीं आ पाया, खाली झूठे वादे, सपने और कुछ नहीं। यहां तक इस नवरात्रि उत्सव की बात है, यहां पे मैं 2000 से ये नवरात्रि कर रहा हूं, सर मैं 2000 से यहां नवरात्रि कर रहा हूं, आपको पता होगा कि ये मैदान था या दलदल थी। उस वक्त प्रफुल पाटिल जी ने हमें यहाँ पे भरनी करके दी थी और ये मैदान बना। 2013 में यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई थी, प्रमोद सावंत जी उस वक्त कांग्रेस में थे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था, और एक एलिगेशन आया 4:30 बजे, नवरात्रि के 3 दिन पहले किसी ने एक लेटर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे नवरात्रि की परमिशन नहीं दी जाएगी, और मुझे 5 बजे उस लेटर आ गया कि आप यहां नवरात्रि नहीं कर सकते क्योंकि इसके ओनर ने इस पे ऑब्जेक्शन ली है। प्रमोद सावंत जी थे, इन्होंने मुजफ्फर साहब से बात की, मैंने गिलबर्ट मेंडोन सर जी से बात की, और हमने वो नवरात्रि यहां से फिर शुरू की, और आज वही लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। यह आपको सोचना है कि राजनीति के लिए उनके लिए ना कोई धर्म है ना कुछ, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें हर साल इस नवरात्र उत्सव के लिए परेशानियां होती हैं। रोड पे करते हैं उनको परेशानी नहीं होती है, लेकिन हमारे इस शीतल नगर में जो आप लोगों ने प्यार दिया है वो किसी को भी बिना भयंकर में पसंद नहीं आता है ना उनकी आंखों में उतरता है, और ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की और ये देवी माता की कृपा है
और आप लोगों का प्यार है कि हर साल यहाँ पे नवरात्रि होती है और हर साल कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ये शहर भी अच्छा होगा, हमारी तकलीफें भी दूर होंगी। आप हर रोज पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे कि क्या हो गया है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। 25 साल के 30 साल के इतिहास में जो बोलते हैं कि 40 साल में कुछ नहीं हुआ, 30 साल के इतिहास में एक भी दाग उस वक्त के नेता पे लगाओ तो बताइए, किसी पे लगाया साहब? किसी एक पे भी नहीं। मुजफ्फर साहब ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। मीरा रोड का डेवलपमेंट हो, कोई भी धर्म के लिए कुछ काम हो, एक ट्रस्ट बनाया है, फिलंथ्रोपिक काम करते हैं, किसी को उसकी जानकारी नहीं होती है, उस चीज का वो राजनीति के लिए फायदा भी नहीं उठाना चाहते हैं, उनको भी नहीं पता है किसकी कब मदद की, उनका ट्रस्ट है, उस तरफ से उन्होंने जो मैनेजमेंट में बताया हुआ है उस कैटेगरी में लोग आते हैं, उस हिसाब से उनकी मदद होती है, स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद होती है। लेकिन वो जो सोशल वर्क है वो अपने पॉलिटिकल कैरियर से नहीं मिक्स करते हैं, उनका बिजनेस कैरियर पॉलिटिकल कैरियर से नहीं मिक्स करते हैं। ऐसे इंसान के लिए हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये इंसान एक विजनरी है और ये हमारे लिए एक विजन लेके चला था। जब ये यूथ था, जब ये 20 साल के थे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट रहे महाराष्ट्र के, और वो विजन उन्होंने जो किया था वो 2014 तक करते रहे हैं, और उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, आप समझदार हैं, और मैं अनिल सावंत और प्रमोद जी से बोलूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार फिर से बोलिए सर, काफी लोग वहां पे सुन नहीं रहे। जय साचे दरबार की आवाज नहीं आई, बोल साचे दरबार की। नवरात्रि और आने वाले दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा गरबा राजू भाई ने 19वें साल में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं हमेशा। 21 तारीख को भी गरबा खेलना है, आपको मालूम है क्या? 21 तारीख को भी गरबा खेलना है, मालूम है सबको? ऐसे ही इंटरेस्ट लेके आप जाएंगे वोटिंग करने के लिए। 21 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में मतदान होने जा रहे हैं। काफी यंग जनरेशन यहाँ पे जमा है, काफी लोगों ने अपने नाम एनरोल किए होंगे वोटर लिस्ट पे, जरूर वोट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बहुत अच्छी की है, जरा सुनिए यंग जनरेशन। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बहुत अच्छी की है, जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका एक एफिडेविट अपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लोड किया है, जो आप देख सकते हैं। उसमें उस उम्मीदवार के ऊपर कितने गुन्हे हैं, कितने एफआईआर दाखिल है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 2014 में कितनी थी, 2019 में कितनी हो गई, उसका एजुकेशन क्या है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एटलीस्ट 145 मीरा भयंकर का जो इलेक्शन कमीशन ने सभी कैंडिडेट के एफिडेविट दाखिल किए हैं वो जरूर देखिए, और उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजू भाई। मुझपर भाव को राजीव मेहरा जी, प्रवीण पटेल जी शॉल और स्वीपर देकर और गुलदस्ता देकर यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। कल से बेहतर होगा।
आपको देना है मुजफ्फर भाऊ का साथ। जी हाँ दोस्तों, वर्षों से अधूरा हुआ सपना मीरा रोड से डायरेक्ट ट्रेन चर्च गेट से मीरा रोड, ये सपना मुजफ्फर भाऊ का है, वर्षों से राजीव मेहरा जी का है, उनके तमाम मीरा रोड वासियों का सपना है। माता अम्बे के आशीर्वाद से ये सपना भी इस साल पूरा होगा। Oh,